श्री कल्कि, जय सियाराम, जय हनुमान। चंद्र ग्रहण से ज़्यादा खतरनाक सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण के साय में नव वर्ष विक्रम संवत्सर 2008 का आगमन, माता की सवारी घोड़े पर, ये सब कुछ बढ़ा रही है लोगों के दिलों की धड़कन। कारण ब्रह्मांड के द्वारा पृथ्वीवासियों को संकेत ही कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि आज हर कोई चिंतित हो उठा है। लेकिन सिर्फ चिंतित होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने ऊपर आई हुई मुसीबतों से कैसे निजात पाएं, उसके लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल्कि अवतार, माँ शक्ति, महादेव मिलकर एक साथ युग परिवर्तन के लिए अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए अपनी स्ट्रेटेजी के तहत लगातार कार्य करते जा रहे हैं, उनके कार्य हमारी समझ से बाहर हैं। भले ही ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, जब इसका आंसर हमें नहीं मिलता तब हम कहीं उलझकर रह जाते हैं। आने वाले समय में भी कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो हमारे न सिर्फ दिलों की धड़कन बढ़ाएंगी, बल्कि हमारी सोच को और अधिक उलझाएंगी। अभी नव वर्ष का आगमन होने में कुछ समय बाकी है। आज 8 अप्रैल और कुछ घंटों के पश्चात ही सूर्य ग्रहण, और वो सूर्य ग्रहण जो धरती पर मचाएगा कोहराम, क्योंकि संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं कि इस बार का सूर्य ग्रहण कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होने वाला है। कारण वैज्ञानिकों को सूर्य में बिल्कुल शांति दिखलाई पड़ रही है, ये एक चिंता का विषय है। कुछ समय से जहां सूर्य में ब्लैक स्पॉट्स दिखलाई पड़ने शुरू हो गए थे, सोलार फ्लेयर हो रहे थे दिखलाई, अचानक से वहां पर शांति छा जाना, जब सोलार मैक्सिमम के चक्र से हमारा सन गुजर रहा है, सोलार मैक्सिमम यानी 12 वर्षों का वो चक्र, जब वो अपने मैक्सिमम इफ़ेक्ट दिखलाता है, तो मिनिमम से मैक्सिमम इफ़ेक्ट की तरफ जब अंतिम चरण में पहुंचा है सन यानी सोलार मैक्सिमम, और उस समय जब कुछ दिनों पहले ही निकल रही थी वहां से सोलार फ्लेयर की वो दृश्य हमें डरा रही थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया, वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए हैं कि वो सूर्य बिल्कुल शांत कैसे हो गया है, वहाँ कोई भी हलचल क्यों नहीं दिखलाई पड़ रही, कहीं ये भयंकर तूफान आने के पहले की शांति तो नहीं। एक तो ये बात, दूसरी बात, जैसा मैंने पहले ही कहा कि इस बार का सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से भी ज़्यादा खतरनाक, एक तो तारीख ही ऐसी आ रही है यानी 8 तारीख और 8 नंबर यानी शनि का, और लोग इस नंबर से और इस ग्रह से बहुत ज़्यादा घबराते हैं क्योंकि ये नंबर बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं देता, और उस पर ठीक 9 वर्ष के पहले सूर्य ग्रहण का आना। अमेरिका में बर्ड फ्लू बर्स्ट हो गया है, गायों के संपर्क में आने से एक व्यक्ति को भी संक्रमण झेलना पड़ा है, जो कि पहली घटना है। सिर्फ गाय नहीं बल्कि गाय, बैल, सुअर, वाइल्ड बर्ड्स, मुर्गी, ये सारे ऐसे हैं जिनको कि ये जो बर्ड फ्लू हुआ है उसका नाम दिया गया है H5N1, और WHO ने कहा है ये कोरोना से भी भयंकर पैंडेमिक आने वाले समय के लिए है। यानी बर्ड फ्लू को लेकर मैंने पहले भी आपसे 3-4 वीडियो के पहले एक वीडियो मैंने दिया था करीब 8-10 दिन पहले, जिसमें मैंने आपको कहा था कि नागपुर में काफ़ी मुर्गियां मर गई हैं बर्ड फ्लू के कारण, और काफ़ी मुर्गियों को मारा गया है। अब जो उनकी संख्या निकल के आ रही है वो 8,000 है, और करीब 5,000 अंडों को नष्ट कर दिया गया है। कारण बर्ड फ्लू के मामले ज़्यादा ना हों,
लोग ज़्यादा संक्रमित ना हो, और आसपास के एरिया को घेर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि वहाँ पर कोई ना जाए। तो WHO के माध्यम से यही जानकारी मिल रही है कि इससे एक भयंकर पैंडेमिक, बर्ड फ्लू की जो पैंडेमिक आने वाले समय में आ रही है, ऑलरेडी दस्तक दे चुकी है अमेरिका में भी और भारतवर्ष में भी, वो कोरोना से ज़्यादा खतरनाक ये पैंडेमिक है, और इसके कारण जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो एक ऐसी बीमारी, मैंने पहले भी आपसे कहा था, जो दस्तक देने जा रही है बहुत जल्द, जबकि मैंने महाराष्ट्र के बारे में आपको कहा था, लेकिन अब वही अमेरिका में भी ये बर्ड फ्लू की बीमारी फैल गई है, जिसके कारण वहाँ पर गाय, मुर्गियाँ, बैल और भी कई जानवर वहाँ पर बहुत अधिक संक्रमित हो रहे हैं, और इसके कारण चार पैर वाले जानवर संक्रमित होंगे। ये तो मैंने आपको पहले भी प्रेडिक्शन में बताया था कि चार पैर वाले जानवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा संक्रमित होंगे, लेकिन इसके साथ ही जो वाइल्ड बर्ड्स हैं वो भी संक्रमित होंगे, और इनके कारण जो बीमारी फैलेगी वो बहुत ज़्यादा फैलेगी, और ऐसी फैलेगी कि उससे बचाव कर पाना इंसान के लिए नामुमकिन साबित होगा। यानी कोरोना से भी भयंकर महामारी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पक्षियों के लिए भी और पशुओं के लिए भी, सभी के जीवन पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये तो मैंने कही खतरे की बात, लेकिन इसके अलावा ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ कि डिज़ास्टर्स आने वाला है बहुत ही खतरनाक तरीके से। अभी तो एक ताइवान का भूकंप हम लोगों ने देखा, जापान का भूकंप 1 जनवरी 2024 को देखा, लेकिन विक्रम संवत्सर 2081 में और भी बहुत सारे भूकंप लोगों को देखने को मिलेंगे, और जो उनका रिक्टर स्केल होगा वो डराने वाला होगा, क्योंकि कहा गया है उनका रिक्टर स्केल 8 तक जा सकता है, यानी बहुत भयंकर भूकंप और उससे जान माल का नुकसान, तथा युद्ध की परिस्थितियां ऑलरेडी ईरान और इसराइल में भयंकर होती चली जा रही हैं। तो न्यू फ्रंट जो खुलेंगे युद्ध के, उनके कारण भीषण रक्तपात। लेकिन ये सारी बातें इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ कि इंसान डरे, बल्कि एक सतर्क आप लोग रहें, सतर्कता बरतें आप लोग अपने जीवन में, एवं अपने और अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल करें। कुछ समय के लिए सूर्य ग्रहण में यदि हो सके तो भगवान का नाम जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप, हनुमान जी के मंत्र का जाप, श्री हरि का कोई सा भी मंत्र आप ले लीजिए। रेवती नक्षत्र में पड़ने वाला मीन राशि में जो ये नक्षत्र, ये जो ग्रहण है वो बिल्कुल ही हमारे देश के लिए भी और बाकी पूरे कंट्रीज़ के लिए सही नहीं है। अमेरिका और कनाडा में तो बहुत ज़्यादा अलर्ट है, क्योंकि वहाँ पर ये पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण दिखेगा, तो अमेरिका में तो बहुत प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं ऑलरेडी, ताकि बहुत जो भयंकर नुकसान होने वाला है उसका जो अलर्टनेस पहले ही दे दिया गया है, उसके लिए उन लोगों ने पहले से ही तैयारी कर ली है। लेकिन अब देखना होगा कि सूर्य ग्रहण विक्रम संवत्सर 2081 में और क्या क्या घटनाएं लोगों के सामने आती हैं, लेकिन उसके लिए अपने आप को रखिए स्पिरिचुअल, रहिए पॉजिटिव और अलर्ट, रह के भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाइए, क्योंकि आतंकवादी घटनाएं, बॉम्ब ब्लास्ट होने के चांसेस मैक्सिमम हैं, क्योंकि मार्स जो है, मार्स और सैटर्न की युति भी सही नहीं है, और मार्स के दिन यानी मंगलवार के दिन वही राजा है, और उसी दिन चूंकि विक्रम संवत्सर 2081 स्टार्ट हो रहा है, तो मंगल रेड कलर यानी खून खराबा निश्चित है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।